मोदी 2024 के चुनाव में नए बैच के साथ आ गए हैं। क्या चेहरा बदलने से वोटर भी खिल जाएगा? चुनावी रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं और मोदी की ऐसी कौन सी रणनीति है जिसकी काट विपक्ष के पास नहीं है? आपको समझाते हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत अगर किसी को है तो वो है कांग्रेस और उसके गमंडिया गठबंधन। एनडीए की वापसी पक्की देखकर इंडिया अलायंस के सारे नेता बौखला गए हैं। कांग्रेस की पूरी ताकत एक परिवार को ही आगे बढ़ाने में लगती रही। नरेंद्र मोदी की नजर अर्जुन की तरह सिर्फ लक्ष्य पर है। यह लक्ष्य है 400 पार सीटों का, जिसके लिए उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी है। मोदी का एक कदम दिल्ली में पड़ता है, दूसरा दिल्ली से दूर किसी राज्य के दूर दराज के इलाके में। मोदी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। उनके चुनावी अभियान की रफ्तार इतनी तेज है कि कोई भी विरोधी उनके आसपास नहीं दिख रहा है। जनसभाओं से बैठकों तक मोदी नॉन स्टॉप एक्शन में दिख रहे हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से पीएम मोदी का अभियान और तेज हो चुका है। इतनी मेहनत, मशक्कत और जुझारूपन शायद ही किसी सियासी हस्ती में दिखती हो। हालांकि नरेंद्र मोदी परिश्रम की पराकाष्ठा के साथ सभी रणनीति के बाजी कर कहे जाते हैं। उनकी सूझबूझ चुनाव प्रचार तक सीमित नहीं, मोदी बोल्ड स्टेप्स उठाते हैं, यानी ऑन द स्पॉट फैसले। उम्मीदवारों के चयन से लेकर दिग्गज शहरों को तब्दील करने तक से मोदी कभी नहीं हिचकते। कमजोर कड़ियों में सुधार हो या फिर लगातार मुख्यमंत्री पद संभालने की प्रथा, मोदी एक झटके में परिवर्तन लाते हैं। यही मोदी का स्टाइल है, सही वक्त पर सही निर्णय। 24 के चुनाव में नरेंद्र मोदी का यही प्लान फिर जीत की गारंटी बनने जा रहा है। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने हरियाणा की राजनीति के बड़े चेहरों में बदलाव किया है। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सैनी को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपकर मोदी ने कई समीकरण साध लिए हैं। बीजेपी लंबे वक्त से हरियाणा में महसूस कर रही थी कि गठबंधन सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। उस पर राज्य में बीजेपी की साझेदार जेजेपी लोकसभा की सीटों की मांग कर रही थी। इसके साथ ही लंबे अरसे से हरियाणा में मुख्यमंत्री पद संभाल रहे मनोहर लाल खट्टर के रहते एंटी इनकम्बेंसी का भी फैक्टर था। नरेंद्र मोदी ने एक फैसले से सभी दिक्कतें दूर कर दी। उन्होंने फौरन हरियाणा मुख्यमंत्री का चेहरा बदला। हरियाणा में बीजेपी का विजय रथ अब नायब सैनी आगे लेकर जाएंगे। ऐसे बदलाव कर मोदी सत्ता और संगठन के बीच का संतुलन बनाए रखते हैं। साथ ही ये संदेश देने में भी उन्हें सफलता मिलती है कि बीजेपी में छोटा से छोटा कार्यकर्ता सत्ता के शिखर तक पहुंच सकता है। भाजपा का कार्यकर्ता साल के हर दिन 2400 घंटे देश की सेवा के लिए कुछ न कुछ करता ही रहता है। हम सबको जुट जाना है, हर नए वोटर तक पहुंचना है, हर लाभार्थी तक पहुंचना है, हर वर्ग, हर समाज, हर पंथ, परंपरा, सब लोगों के पास पहुंचना है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में मुख्यमंत्री बदलने की रणनीति एक बार फिर बीजेपी ने अमल में लाई है। इससे पहले भी 2023 या फिर और पहले भी मुख्यमंत्रियों को बदला गया है राज्यों में, और जब जब बीजेपी ने इस रणनीति का इस्तेमाल किया उसे सफलता का स्वाद चखना पड़ा चुनावी मैदान में।
बात सिर्फ मुख्यमंत्रियों तक सीमित नहीं है। मोदी युग में सांसद हो या विधायक, उनका टिकट प्रदर्शन के आधार पर तय होता है। 24 के चुनाव में बीजेपी ने दिल्ली की 7 सीटों में 6 नए चेहरे उतारकर साफ कर दिया कि परफॉर्मेंस पॉलिटिक्स पर पार्टी आगे बढ़ रही है। दिल्ली के सांसदों के जो चेहरे बदले गए, और बीजेपी के नए उम्मीदवारों को भी जान लीजिए। नई दिल्ली संसदीय सीट पर मौजूदा सांसद मीनाक्षी लेखी की जगह बांसुरी स्वराज बीजेपी के उम्मीदवार हैं। दिल्ली की चांदनी चौक संसदीय सीट पर बीजेपी ने हर्षवर्धन की जगह प्रवीण खंडेलवाल को उम्मीदवार बनाया है। दक्षिण दिल्ली से रमेश विधोड़ी की जगह रामवीर सिंह विधोड़ी बीजेपी के कैंडिडेट हैं। उत्तर पश्चिम दिल्ली में बीजेपी ने हंस राज हंस की जगह योगेंद्र चंदोलिया पर दांव लगाया है। बीजेपी ने पूर्वी दिल्ली में गौतम गंभीर की जगह पर हर्ष मल्होत्रा को उम्मीदवार बनाया है। पश्चिमी दिल्ली में प्रवेश वर्मा की जगह बीजेपी ने कमलजीत सहरावत को टिकट दिया है। सिर्फ उत्तर पूर्वी दिल्ली में मनोज तिवारी इकलौते मौजूदा सांसद हैं जिन्होंने पार्टी का भरोसा कायम रखा है। टिकट बंटवारे से लेकर उम्मीदवारों के चयन तक हर पहलू पर भारतीय जनता पार्टी बहुत ही फोकस तरीके से काम करती है और अपने कार्यकर्ताओं को बहुत ही तवज्जो देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काल में छोटा सा छोटा कार्यकर्ता पहली कतार में जाने की हसरत पाल सकता है, और कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो चुनावी बाजी भी कार्यकर्ताओं पर विश्वास करके ही जीती है। गुजरात, नरेंद्र मोदी ने 2021 में एकाएक गुजरात में मुख्यमंत्री का चेहरा बदला था। वाजिब वजह थी, चुनाव एक साल बाद होने थे, लेकिन दूरदर्शी लीडरशिप क्या होती है ये मोदी ने दिखाया। तब विजय रूपाणी को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया था। वजह थी कोविड की दूसरी लहर के दौरान उनकी सरकार का प्रबंधन। कोविड की दूसरी लहर के दौरान गुजरात सबसे बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। गुजरात उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि दूसरी लहर के दौरान रूपाणी की सरकार की प्रतिक्रिया संतोषजनक और पारदर्शी नहीं थी। विजय रूपाणी की लोकप्रियता गिरती जा रही थी, जिसे देखते हुए मोदी ने राज्य की कमान भूपेंद्र पटेल को सौंप दी। मुख्यमंत्री को बदलकर विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बाजी मार ली। मोदी ने मुख्यमंत्रियों के चेहरे बदलकर जिन राज्यों में बीजेपी के गढ़ को सलामत रखा, उसमें उत्तराखंड का रिकॉर्ड सबसे दिलचस्प है। उत्तराखंड, बीजेपी ने 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में एक तो नहीं 3 चेहरों को बदल दिया था, ताकि ये तय हो सके कि सरकार स्थिर है। 10 मार्च 2021 को 4 साल से सीएम पद संभाल रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह तीरथ सिंह रावत ने ली थी। जुलाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन दक्षिण इस वक्त चल रहा है, और ऐसे में तस्वीर आप देख रहे हैं शिवमोगा से, कर्नाटक से लाइव तस्वीरें, जहां पर रोड शो करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन स्वीकार करते हुए कर्नाटक समेत दक्षिण के 3 राज्यों के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ऐसे में जनता को साधने का प्रयास, 2024 की तैयारी और दक्षिण को साधने का प्रयास, दक्षिण की जनता तक पहुंचने का प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और ऐसे में अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते हुए शिवमोगा में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और कुछ देर बाद इनका संबोधन भी यहां पर होना है। लेकिन उससे पहले ये रोड शो की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये भव्य रोड शो जहां दूर दूर से लोग पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए। सारी तैयारी है साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए, जिसकी घोषणाएं की जा चुकी है चुनाव आयोग की ओर से। और ऐसे में तमाम राजनीतिक दल जमीन पर उतरकर कई सारी तैयारियां कर रहे हैं, और ये बीजेपी की तैयारी है ताकि जो दक्षिण का किला है उसको किस तरीके से भेदा जाए, 2024 में जनता तक पहुंचा जाए, ये प्रयास बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। और बड़ा चेहरा बनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जनता के बीच पहुंचे हैं।